बोले, तब उन्होंने आपकी वीडियो मेरे को मेंशन की, आपकी वीडियो पॉपुलर चल रही है और साइबर जाम वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं कि भाई आपको से हेल्प मिल सके। सो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मुझे एक भाई मिले। एक्चुअली वह काफ़ी दिन से परेशान थे, लगभग 3-4 दिन से परेशान थे, और वह रेलवे में अभी उन्होंने अपना फेस भी ब्लर करने के लिए बोला है, तो फेस भी ब्लर कर देंगे और बड़े पद में है। उन्होंने बोला कि वह भी आप रिवील मत करना, क्योंकि मैं 28 राज्य में घूम चुका हूँ, तो शायद मुझे कोई पहचाने या फिर मेरे मतलब जो ऊपर के सर लोग हैं वह थोड़ी सी नौकरी में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनकी सारी चीजें हम थोड़ा सा गुप्त रखने वाले, मीन्स ब्लर करने वाले, ठीक है? तो वह काफी परेशान थे, रेलवे में कर्मचारी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वह किस तरीके से इस चीज से बाहर निकले हैं। आपको देखो, सबसे पहली बात, अगर आप फंस चुके हैं तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। डरने के बाद कुछ उल्टा पलटा काम करे या फिर वह लोग फोटो भेज रहे हैं, मम्मी पापा की तरफ कॉल कर रहे हैं तो हम पेमेंट देते जाए, वो अगर 2500 का डिमांड कर रहे हैं तो 2500 दिया, फिर अगली बार 3500, 5000, कुछ इस तरीके से वो लोग डिमांड करते जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी वो लोग पकड़ लिए ना, फिर आपको बर्बाद कर देंगे, कंगाल कर देंगे। तो यह वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। और हमने एक वीडियो बनाई थी कि आप साइबर क्राइम में कैसे कंप्लेन करेंगे, और वह वीडियो काफी अच्छी भी चली है और साइबर क्राइम वाले भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। यानी जब यह साइबर क्राइम वालों के पास गए कंप्लेन करने के लिए, तो उन्होंने हमारी वीडियो दिखाई, भेजी इनको, बोले कि आप ऑनलाइन कर दो, यह जो लड़का है यानी मैं अच्छा वीडियो बनाता है और जो जो बता रहा है वह काम करो, आप लोन से बाहर निकल जाओगे। तो यार देखो, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, हमारी वीडियो काफी दूर दूर तक जा रही है, उसके लिए थैंक यू। अब चलो हम वीडियो देखते हैं। और हाँ, आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और आप लोग एक काम नहीं करते यार, वीडियो को लाइक किया करो यार, थोड़ा सा पैसे वैसे तो लेते नहीं है। हाँ, जो लोग खुशी से देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब हमने QR कोड वीडियो में डालना स्टार्ट कर दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगर आगे कुछ ऐसी वीडियो आए तो आपको मिले और आप देख पाए, अवेयर हो पाए, और कमेंट कर देना कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है? हेलो भाई जी, क्या हाल है? बढ़िया है भाई, कैसे हो? बस ऑफिस अभी आए, ऑफिस ही आए थे अभी। अच्छा, प्रॉब्लम से निकले कि नहीं आप? हाँ, प्रॉब्लम तो ठीक हो गई। एक्चुअली ऐसा था ना कि मैं तो पहले दिन तो बहुत डर ही गया था। आपका आपका ही मैसेज देख रहा था मैं, इतने मैसेज। अच्छा, कैसे क्या हुआ था जरा आप मुझे बताओ। एक्चुअली ऐसा था, मैं ट्रेन में था तो बाकी टाइम चेकिंग स्टाफ के बाद फिर मैं खाली रहता हूँ, तो उसके बाद मैं इंस्टाग्राम से VKS नाम करके एक ऐप जो था वो मतलब इंस्टॉल हो गया था, उसमें मैंने नंबर डाला। नंबर डालते ही अब मेरा 5G फोन अपडेट है तो सारी डिटेल अपने आप फील हो गई। उसके बाद मैं 1.5 घंटे बाद देखा कि 1400 कुछ रुपए मेरे मांग है। मैं जो चेकिंग स्टाफ का काम करता हूँ, मेरे को रुपए आने जाते रहते हैं, कोई मतलब मुझे इसके बारे में पता ही जानकारी नहीं लगी कि मेरे पे 1400 रुपए आ गए। फिर 2 दिन बाद कॉल आई मेरे पास, यहाँ अपने इतने इतने रुपए भरना है। अरे भाई, मैंने कोई लोन नहीं ले लिया। फिर मैंने अपने बैंक को फोन किया, मैंने सर मेरे नाम कोई लोन चल रहा? बोले सर आपका नाम कोई लोन ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा है, फिर मैंने उसको सुनाया, मैंने भाई मेरा नाम से कोई लोन नहीं चल रहा है, अपना आप अपना चेक कीजिए, मेरी तरफ कोई लोन नहीं चल रहा है। नहीं, बोले नहीं, तुमको भरना पड़ेगा 2500 रुपए। पहले तो वो सर सर के बात करता रहा, फिर वो उससे तू के भाषा गई, तो हमने सुनाया, हमने तो भाई व्हाट इज यू डूइंग। मैंने भाई मैं तुझे पता है मैं किस लेवल का बंदा हूँ, मैं ऑफिसर लेवल का बंदा हूँ, तो मेरी बात करने का तरीका क्या है तेरा? वो फिर मैंने सोचा सर मैं अभी ट्रेन में हूँ, अभी बात नहीं कर सकता, बाद मेरे बात। बोले नहीं, पेमेंट करना पड़ेगा आपको। वो मार थोड़ा बदतमीजी उतर आया। जब वो बदतमीजी उतर आया, फिर मैंने अच्छा भाई मैं ऑफिस में गया, थोड़ा रेस्ट मिला, गाली दे रहे, गाली मतलब गाली बकने लगा था। फिर वो बोला कि भाई पैसे भेज रहा, नहीं तो मैं जो है तेरी वाइफ के पास गंदे गंदे फोटो भेज रहा हूँ। मैंने कहा भाई जो है मैं तेरा चुप पैसा देने राजी हो गया, मैं डर गया था, हो सकता है कोई मेरे नाम से लोन ले लिया हो। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैं किसी का एक पैसा नहीं खाता हूँ ट्रेन में, सही बात है। फिर उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 1000 रुपया दे दूंगा, 2500 रुपए है, मैं कर रहा हूँ पेमेंट। मैंने कहा किस ऐप से मैंने लोन लिया था? बोले इस ऐप से लोन लिया था। मैंने कहा भेज लिंक, भेज। मैंने लिंक लिया तो वो लिंक उसका विजिट किया तो खुला ही नहीं लिंक। फिर मैंने प्ले स्टोर चेक किया, नहीं हुआ। फिर यूट्यूब पे चेक किया, नहीं। फिर यूट्यूब पे पता लगा ये तो फर्जी चल रहा है।
फिर मैंने भाई मैंने ये फर्जी बंदा, तो बोला क्या आप मेरे स्कैनर पे कर हाँ दीजिए। तो मैं समझ गया भाई ये तो पर्सनल रुपया मांग रहा है मेरे से। फिर मैंने जो है मैंने सर एक लड़का मेरे को ऐसे से परेशान कर रहा है और ये का हमने लोन भी नहीं लिया है बस 3 रुपए दे दिए। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, अरे अरे हाँ, तो फिर वही हुआ ना कि मैंने सर साइबर के नंबर से किया, तो साइबर के नंबर हेल्प करते हैं, अगर आपको सही जानकारी हो तो हेल्प करते हैं। तो फिर उन्होंने मतलब बोला कि ऐसे ऐसा फॉर्म भरना है। मैंने सर इतना मेरे पास टाइम था, हाँ भर दीजिए। बोले नहीं, बोले तब उन्होंने आपकी वीडियो मेरे को मेंशन की, आपकी वीडियो पॉपुलर चल रही है और साइबर क्राइम वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं कि भाई आपको से हेल्प मिल सके, आप अच्छी वीडियो बनाते हैं, आपकी वजह से मैं दो हमेशा 28 राज्य 28 राज्य से 24 राज्य में घूम चुका हूँ। अच्छा, तो मैंने मतलब आपकी वीडियो देखी, मेरा थोड़ा और मोटिवेट हुआ। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं डरना किसी से नहीं है और नौकरी वाली कोई बात नहीं। पहले दिन उसने जब गाली बकी तो मुझे गाली देना नहीं आई, मैं डर गया था, फिर मैं ड्यूटी पे भी था, मैंने कोई बात नहीं कहा। तो वीडियो आपकी देखी, मेंशन किया तो कोई बात नहीं। मैंने भाई मैं रुपए देख नहीं दूंगा। दूसरी बात ये स्कैनर पर मांग रहा समझो फ्रॉड है, समझ गया मैं स्कैनर स्कैनर पर। वाले तो फ्रॉड होते हैं। एप्लीकेशन में जाके अगर लोन हमने एप्लीकेशन से लिया तो एप्लीकेशन में जाके भरेंगे ना भाई, तो हाँ वही तो कह रहे एप्लीकेशन से वो लोग सिस्टम ही खत्म कर देते हैं। ना, प्ले स्टोर पे दिखा रही थी ना, ऐप स्टोर पे दिखा रही थी ना, सिमे स्टोर पे किसी दिखाई नहीं रहता वो उसका एप्लीकेशन। फिर भाई वो बोला कि तेरे को धमकी नहीं देने लगा, बोला तेरी उन्होंने डिटेल पूरी भेजी, मेरे पिता के नाम, मेरा नाम, मेरा जो जॉब कार्ड था ये वाला जॉब कार्ड भी उसने जो है जॉब कार्ड है ना जॉब कार्ड भी उसने मेरे को भेजा, बोले तेरा जॉब कार्ड मेरे पास है। मैंने यार सारी चीजों डिटेल कैसे पहुंच गए? मैंने हो सकता है मेरा एक बार पहले फोन ट्रेन में चोरी हुआ था, हो सकता है उसने ईमेल से निकाल लिया हो। अरे मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने कहा मेरी डिटेल अपडेट अपने आप ही हो गई है। बाद में मुझे पता लगा कि मेरा कॉन्टेक्ट एक्सेस कर लिया है, कैमरा एक्सेस कर लिया है, ये लोग यही करते हैं ना। हाँ वो वीडियो आपकी वीडियो से मुझे पता लगा था ये सब कर लिया है, कोई बात नहीं। फिर उसने मेरे को फोन किया, आधा आधा नंबर कॉल कर रहा था, कभी बैंगलोर कभी कोलकाता कभी पाकिस्तान से ऐसे ऐसे कॉल आ रहा था। तो फिर बोला कि भाई तू पैसे भेज रहा है, नहीं तो मैं तेरी बीवी को तेरा गंदा फोटो बना के भेजता हूँ। मैंने भेज दे भाई, मैं तो लड़का ठहरा, ऑल इंडिया घूम, तो मुझे हर तरीके से इंसान मिलता हूँ। हाँ फिर उसने बहुत गंदा फोटो बना के भेजा मेरी, मैंने पहले ही अपनी वाइफ को इन्फॉर्म कर दिया था, मैंने भाई मेरे से मुकदमा हो गया है और कोई अदर बंदा परेशान कर सकता है। बोले आने तो उसने मुझे फोटो पहुंचा, उन्होंने फोटो खोल के नहीं देखा, उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा दिया था, बहुत अच्छा है। परेशान करता रहा करता रहा। तो उसने मेरे जो चीफ साहब हैं टीडी साहब, उनके पास मेरा गंदा फोटो भेजा, उन्होंने मेरे को ट्रोल किया, बोले ये क्या है प्रिंसी। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा मेरे को हुआ है। बोले अच्छा सर कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है मैं इसको देखता हूँ। फिर उन्होंने बोला हम इस बंदे को जानते नहीं है, दूसरी बात मेरे पास फोन या ऐसे भेजने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी एक्सप्रेस ही कर दूंगा मैं। तो बता मैं कहा बोल रहा हूँ, साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ, उन्होंने ऐसा बोला। तब फिर मुझे थोड़ा सा हड़का। फिर मैं जब दूसरे दिन मैंने बात की, मतलब कल में जब मैंने उससे बात की, मैंने भाई तू मुझे फोन कर, वीडियो कॉल करता रहा, जब वीडियो कॉल भी उसने नहीं उठाई, जब वीडियो कॉल उसने नहीं उठाई तब फिर मैंने कहा भाई ये समझो फ्रॉड ही है। फिर मैंने उसे कॉल किया, नहीं उठाया, व्हाट्सएप पे कॉल की, फिर चार उसको गाली और सुनाई, तब जाके वो समझा। प्लस साइबर क्राइम में मैंने रिपोर्ट भी कर दी उसकी। नहीं आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अभी तो कॉल नहीं आ रहा है ना आपको? नहीं अभी नहीं है, मैं डटा रहा आपकी वीडियो मोटिवेशन की वजह से, मैं डटा रहा, मैं डरा नहीं। पहले दिन तो मैं डर गया था, मैंने कहा हो सकता है भाई मैं ऐसे पैसे दे दूं। नहीं देखो पैसा बाद देना, में डरा। पैसा देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो लोग फालतू हरकत करने लगते हैं ना, उल्टी सीधी हरकत करने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, बदतमीजी से बात करने लगते हैं, वो चीज़ बहुत बुरी है। अरे तुमने लोन, चलो लोन दे दिया है गलती से दे दिया, या फिर हमने लोन ले लिया है, तो उसका सही तरीका पेमेंट करने का, शायद बंदे के पास पैसे ना हो, एक दिन लेट हो जाए, तो जैसे ही छठा दिन होता है वो लोग कॉल करके गालियां देने लगते हैं। मैंने कहा फोन पे तो कोई रुपए मांगती नहीं, कोई एप्लीकेशन ऐसे कर ही नहीं सकती। अभी फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अब उसने मेरी बेइज्जती तो कर ही ली है, क्या कर लिया लड़का, मैं क्या कर लिया इसने, मैंने लगा ही दिया था हर जगह। तो जरा आप मुझे एप्लीकेशन का लिंक एक बार भेजो, या तो एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन मुझे आप शेयर करो इसी नंबर पे, ठीक है? बाकी अभी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना?
अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैंने सारा स्टेटस लगा दिया था और मेरे उससे उसके नंबर सारे ब्लॉक करवा दिए, जो से नंबर ब्लॉक करवा दिए, मैंने सारे नंबर दे दिए साइबर क्राइम वाले छोड़ भी दिए थे। अच्छा, और जो ट्रू कॉलर ऐप आता है वो ट्रू मैंने अपने घर वालों को और अपना डाउनलोड किया, उसके बाद में इसके जो करके आते हैं सारी नोटिफिकेशन ऑन कर दी, सारी इंटरनेशनल कॉल ब्लॉक हो जाती है ऑटोमेटिक। वो बताया था मैं, अच्छी वीडियो है आपकी, थोड़ा मुझे भी हेल्प मिली, नहीं तो मैं भी इस चीज का शिकार हो जाता। तो आपने देखा भाई ने क्या क्या किया। तो अगर आप फंस चुके हैं तो आप एक स्टेटस लगा देना ताकि जो आपके कांटेक्ट में सारे लोग हैं वह अवेयर हो जाए आपके नाम से, उनके साथ भी फ्रॉड ना हो। और दूसरी चीज, आप ट्रू कॉलर की सेटिंग कर लेना, अगर आपको ज्यादा परेशान कर रहा है नंबर निकाल के रख देना। नहीं तो जिस तरह से भाई ने कड़क वे में बात किया, आवाज में बात किया, डरा नहीं, तो आप भी उस तरीके से बात कर सकते हैं। अगर डर गए तो मर गए, ठीक है। तो आप बात करेंगे ना, वो लोग बात करने के लिए राजी नहीं होंगे, तो सीधे आप उनको वीडियो कॉल करो, बोलो अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो वीडियो कॉल कर, नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, गैलरी की बहुत सारे लोगों को टेंशन होती है, तो बोल देना भैया दो चार फोटो मेरे इधर व्हाट्सएप पे भेज के दिखा, तो मैं तेरा 2500 नहीं बल्कि 5000 का पेमेंट कर रहा हूँ। नहीं भेज पाएगा, उसके पास कुछ एक्सेस नहीं होता, बस जो आपने बात करी है उसका रहता है, मतलब आपने कितने नंबर पे बात करी है और कितना नंबर आपके फोन में सेव है, बस वही एक्सेस लेते, बाकी कुछ नहीं लेते। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बाकी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।